सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। डेप्रिसिएशन मीन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ मटेरियल एसेट टेंजिबल ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन मीन एक कंपनी के जो एसेट टेंजिबल एसेट जिसको टेंजिबल मीन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, देख सकते हैं, प्लांट, मशीनरी, लैंड, ये कंपनी के टेंजिबल एसेट्स हैं। मटेरियल टेंजिबल एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन उनकी वैल्यू कम होने लग जाए उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। मिसाल के तौर पे एक व्हीकल या लैंड है उसकी वैल्यू जो है 100,000 रुपया है, साल बाद उसकी वैल्यू 80,000 रुपया रह जाए तो 20,000 रुपया जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन हुई है। आगे चलें डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल कोयल माइंस ऑयल फील्ड। डेप्रिसिएशन मीन के अगर किसी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की कंपनी है, जैसे आप ऑयल देते हैं लोगों को, पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं, कोयल प्रोवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाना, मतलब जैसे एक पेट्रोल की वैल्यू 70 रुपये लीटर पेट्रोल है तो उसकी वैल्यू कम हो जाए, मतलब 60 रुपये रह जाए तो उसकी 10 रुपये डेप्रिसिएशन होगी, पेट्रोल की 10 रुपये डेप्रिसिएशन होगी। तो डेप्रिसिएशन जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे लगती है और डेप्रिसिएशन जो होती है वो मटेरियल एसेट्स पे लगती है, टेंजिबल मटेरियल एसेट्स पे। डेप्रिसिएशन नेचुरल रिसोर्सेज पे याद रखना है। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन मीन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स मीन गुडविल, सर्विसेज। अमोर्टाइजेशन जो होती है ना, गुडविल का कम हो जाना, एक कंपनी की गुडविल जो है उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू है, एक कंपनी की अच्छी रेपो मार्केट में है, अच्छी उनकी वर्थ है, एक मार्केट में उनकी अच्छी वैल्यू है, और वो जो गुडविल है कंपनी की अगर कम हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन मीन कंपनी की वैल्यू, कंपनी की इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू का कम हो जाना। इनटेंजिबल एसेट्स में कंपनी की गुडविल आ जाती है, सर्विसेज आ जाती हैं, पेटेंट आ जाता है, कॉपीराइट आ जाता है, ट्रेडमार्क वगैरह आ जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।